Cheers! चलो 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 अच्छे बच्चे की तरह पीलो 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 पूरा पीलो। और अब ये नींबू खट्टा खट्टा, असली मजा तो खट्टे में। सिद्धू, I'm really sorry यार, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए शराब पी है। मेरा बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था, जिसके बाद से मुझे मर्दों से नफरत हो गई। और औरतों से? छे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा ना, तो मुझे बहुत सुकून मिला। वो एकदम रियल जेंटलमैन है यार। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे पापा तुम्हें मार रहे थे ना, तब मुझे कुछ अजीब सी हलचल सी हो रही थी, और मुझे बस यही बोलने के लिए मैंने शराब पी है, और ये शराब तो पानी जैसी है। लेकिन ये पीने के बाद भगवान से जो भी मांगोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा। तो जो मांगना है मांग लो। इंग्लिश में बात करना चाहते हो? I want to talk in English only. चलो पियो। देखो अब इंग्लिश में ही बात करोगे। Most is the secret of my energy. मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, रोना आ रहा है। और पियो ना। ठीक है पीता हूँ। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने क्या किया? उसने मेरा फोन तोड़ दिया। फोन तोड़ दिया? उसका फोन लो। तुम जानते हो सबके फोन ले लेके तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। अरे यार देख नहीं रहा, ये लड़की पांच के साथ बैठी है। तू तो रुक, क्या पागलपन कर रहा है? अरे उसके साथ पांच लोग नहीं बैठे हैं, छह लोग हैं। छह एक दो तीन चार पांच छह। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। दादागिरी कर रहे हो, मेरे फ्रेंड्स को देखकर कुछ भी बोल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं हुआ। बैठ जा, बोला ना। बैठ जा, गुंडे जैसे लोग लग रहे हैं, बहुत पीटेगा। बैठ जा चुपचाप। अरे परेशान मत हो, इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया ना, तुम टेंशन मत लो, तुम बस पियो पियो ना। चलो चलो पीना। मार्क, तुझे चढ़ तो गई है ना? अब तेरी नसों में खून नहीं, शराब बह रही है। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारे खून में जो ये शराब बह रही है ना, इससे तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा? इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा। मुझे सजा दो। ये तुझे पिना रही है? नहीं। तुझे दोस्ती और यारी के बारे में कुछ पता भी नहीं? है कुछ नहीं पता है। जैक एंड जिल हिल पर गए थे, जैक नीचे गिर गया था, और जिल उसके पीछे पीछे लुढ़कती हुई आ गई, क्योंकि उसे अपनी दोस्त की पड़ी थी। लेकिन तुम्हें अपनी दोस्त की बिल्कुल नहीं पड़ी है। पड़ी है क्या? नहीं पड़ी है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शोले में भी जय ने वीरू से कहा था ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है, पता है। अरे रुक 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 रुक, वो तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रही है। दोस्ती के बारे में जावेद भाई क्या बोले? पता क्या बोला था? दिल में बैटरी रख के ऑल इज वेल बोला करो। अबे ये कौन से शायर ने बोला? अरे जावेद कोई शायर नहीं है, टायर का पंचर। बताता हूँ तेरे को, समझ में नहीं आ रहा तुझे? तू मेरे साथ है, तू सेफ रहेगा। चल चल, दोस्ती के खतरे में कोई मुझे बचा। अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मार डालूंगा। एक एक पंच मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ये क्या कर रहे हो? अरे पीछे पुलिस है यार, चलो ना। जल्दी जल्दी निकलो निकलो। तुझे मारने लगी क्या? नहीं यार, मुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं। अरे बाप रे, तू तो लहू लुहान हो गया यार। तूने ऐसा पंच मारा जैसे साउथ के हीरो पंच मारते ना, ठीक वैसे। तूने फ्री में शराब पिलाई इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना मार डालता सबको। अरे पीछे पुलिस आ रही है, भगा ना। सिद्धू, तू वर्जिन है क्या? वर्जिन? 99.9%। वो 0.1% का क्या हुआ? अरे इसने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है। तू चुप रहना। पड़ोस वाली आंटी ने मेरे होंठ को काट लिया था। होंठ को काट दिया था? अरे गलत मत समझो, मैं तब सिर्फ 5 साल का था। 5 साल का छोटा सा नन्ना सा बच्चा। अरे यार जो कुछ भी हो, मेरी इज्जत तो गई ना, इसलिए मैंने खुद अपना एक अच्छा सा परसेंटेज निकाला है, 99.9%। तू बहुत अच्छा लड़का है यार। मेरे पापा भी हर वक्त यही बोलते हैं। पुलिस 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 पुलि
लोग हमें हवालात में डाल देंगे। बाथरूम बहुत गंदे होते हैं। मैं नहीं उठाऊंगा। अरे तुम दोनों की वजह से नेक्स्ट टाइम जरूर मदद करूंगा। इस बार मेरी मदद कर दे। अरे आ जा रहा हूं पुलिस के हाथ लगने से अच्छा मुझे तो कुत्ता काट ले। यार इसकी सिर्फ सोच ही भारी नहीं है, ये पूरी की पूरी भारी भरकम है। सिद्धू तुमने मुझे जिस तरह उठाया है ना, बचपन में मेरे डैड भी मुझे ठीक उसी तरह उठाते थे। सिद्धार्थ के पास जरूर होगा। सिद्धू चलो जल्दी चलते। अरे बस मेरी बात सुनो, चलो चलो ना चलो। बस 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 यहीं पर। यहाँ पर क्यों ले आई, आज क्या नया कांड करने वाली हो? तुझे जाना होगा। वेलकम टू कुलदेवी मंदिर। क्या कर रहे हो तुम? जगाने वाली जगह पे आते हैं, तुम मुझे ये भूत भगाने वाली जगह पे घूर रहे हो। ऐसी हरकतें मत करो, अगली बार पास भी नहीं आऊंगा। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे ऐसे पूछोगी तो कौन ना बोलेगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ करता हूँ ना, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, ये कैसा प्रपोज था? चलो जाते हैं यहाँ से। सिद्धू 2 मिनट्स। हाँ यहाँ पर नूडल बनाने वाली है क्या? हे भगवान, आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए, और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ पैर ना चले, ये कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा। मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगी। आई लव हिम सो मच। ओके भगवान बाय। हेलो, मिला कि नहीं? मिला सर। तो जा। शिट, इतने छोटे से रोड में लोग आजकल कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। मारो इसको, मारो इसके कपड़े फाड़ दो। ले चलो, ले चलो इसको पुलिस को बुला रहे हैं। चलो उसको बुला, उधर देख वो ठीक है ना, पता लगाओ उसका। उसके लिए एक गिफ्ट भेजो। सिद्धार्थ तुझे एक कहानी बताऊं क्या? होटल में हम दोनों लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन साथ में जैसे दो और लोग खाना खा रहे हैं वैसे बिल आता है, मतलब टैक्स। किसके लिए? खाने के लिए। उसे देखकर ही तो पेट में जलन होने लगती है, वैसे ही तुझे देखकर जलन होती है। छी हंस मत यार। मालूम है वो मुझे ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर 150 औरतें भूतियों की तरह मुझे कह रही है मेरे पास आ मेरे पास आ। मैं इतना हैंडसम हूँ क्या यार? बोला बेबी आ गई। सिद्धू क्या ये तुम हो? ये सच है या नहीं? दिया ये मेरा जवाब दो। सच तो है लेकिन आधा। अरे पकड़ा, ये तो वही है। माँ कसम ये कब से शुरू किया? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होना चाहिए, वीडियो में तो बड़े मजे दोनों अच्छे दिख रहे हैं ना। उस दिन मुझे क्या कहा क्या, तो 99.9% वर्जिन है ना। दिया तो वर्जिनिटी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है क्या? तुम लड़कियों होते ही ऐसे हो, जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारते रहते हो।
लेकिन जब शादी करनी होती है तो सीधी सादी लड़की चाहिए। हा? भाई तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी लड़की है, सही बात बोल रही है। तू चुप बैठना, दर्द भरी कहानी तो सुनो। लड़कियां तुम जैसे लड़कों से सच्चे दिल से प्यार करती हैं, इसलिए नहीं कि तुम कोई राजा हो और उसे एक रानी की तरह रखोगे और कीमती चीजें दोगे, और ना ही इसलिए कि तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह आओगे और उसके सारे दुख दर्द मिटा दोगे। हम सब जानते हैं कि तुम जैसे लड़के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी हम तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम अपने भोलेपन से हमारा भरोसा जीत लेते हो। तुम्हारी प्यारी बातों की वजह से हमें लगता है कि हम खास हैं, इसीलिए प्यार करते हैं। तुम जैसे लड़कों के लिए तो वही लड़कियां अच्छी हैं जो ठीक वैसा करे जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। एक बात बोलूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अबे चुप बैठना। हे सुन, तूने मेरे साथ धोखा किया है ना, तू ना नरक में जाएगा, नरक में। तू चैन से नहीं सो पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तुझे देवी माता छोड़ेंगी नहीं, तुझे तुम्हें। रुक, पागल है क्या? अरे तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा, चुप हो जा। दिया मेरी बात सुनो। ए, तू बेशरम फ्रेंड है ना, बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तेरे को बताया है। पड़ोसन आंटी ने मेरे को पप्पी किया, वो भी तेरे को बता दिया था, लेकिन तूने गर्मा गर्म वीडियो में काम किया, एक बार तो बताया होता। ये ऊपर वाले, इसको तूने सही जगह लात मारी है। आगे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। तूने कुछ नहीं किया तो इस वीडियो में तेरे जैसा दिखने वाला है कौन? मैंने एक बार देखते ही पहचान लिया, ये तू है, ये तेरी ही चड्डी है। फोन दे। तू भी मेरे डैड जैसा ही निकला, झूठा। लेट्स ब्रेक अप। दिया तुम गलत समझ रही हो, दिया ऐसा कुछ नहीं था। दिया मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरा दोस्त हूँ। दिया ये क्या है ब्रेकअप? ब्रेकअप हाँ, मर्द ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, ना कोई बदलाव आया है ना आएगा, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट चांस है, इधर आके माफी मांग लो, दोस्ती यारी पक्की। आएगी। क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं, इसको गले लगा। जा दिया, नाक तोड़ डाली। उत्तरी दिया ने तुझे इतनी जोर का दिया? तू टेंशन मत ले, नाक का खून अच्छी तरह से पोंछ ले और उसके 5 मिनट बाद चल हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, दिया के घर जाके फिर से उसको एक बार समझाना प्लीज। प्लीज यार, भाई नहीं है क्या तू मेरा? यूजलेस। अरे तो मेरे लिए उससे कौन बात कर?